सेवई उपमा। सेवई उपमा दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध मनपसंद और मनभावक व्यंजन है। अब भारत के अलग अलग शहरों के लोग भी इसे खाना पसंद करते हैं। सामग्री: एक कप सेवई, दो बड़े चम्मच तेल, 5 से 6 कड़ी पत्ते, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3/4 छोटे चम्मच राई, 2 मध्यम आकार के प्याज, 2 मध्यम आकार के टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 2 कप पानी, 1/2 नींबू का रस, धनिया सजावट के लिए। पूर्व तैयारी: पहले प्याज, टमाटर और धनिये के पत्तों को बारीक काट लें, हरी मिर्च को चीर लें और अदरक को कसकर रख दें। बनाने की विधि: एक कढ़ाई को मध्यम आंच पर गर्म कर लें, इसमें सेवई डालकर उसका रंग सुनहरा भूरा होने तक भुनें। इसे लगातार हिलाते रहें। अच्छी तरह भुनने के बाद सेवई को एक प्लेट में निकालकर रख दें। एक पैन में मध्यम आंच पर तेल गर्म कर लें, उसमें राई, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते डालकर तड़तड़ाने दें। फिर उसमें कटे हुए प्याज डालकर प्याज के नरम होने तक मिलाएं। अब इसमें कसा हुआ अदरक डालकर फिर से मिलाएं। फिर टमाटर डालें और उसे नरम होने तक पकाएं। इसमें पानी, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी डालें और इस मिश्रण को उबलने दें। अब भुनी हुई सेवई डालकर हिलाएं और उनके नरम होकर पानी सोखने तक उन्हें पकाएं। ऊपर से नींबू का रस डालकर उपमा को अच्छी तरह मिला लें। इसे कटे हुए धनिये के पत्तों से सजाकर गर्मा गर्म परोसे और इस स्वादिष्ट नाश्ते का मजा लें। आप अपने पकवान की तस्वीर हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/vcookveg पर अपलोड कर सकते हैं और अपने सुझाव info@vcookveg.com पर भेज सकते हैं।